তখন খিদে কত সময় লেগেছে সব ভুলে মায়ের জয় করা উচিত ইসিলিয়ে সভি সে মেরা নিবেদন হ্যাঁ বলো ভারত মাতা কি আজ ইস মঞ্চ সে আপ সবকা আশীর্বাদ एक युवा नेता एक पारदर्शी नेतृत्व और एक संकल्पित पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने आई इस मंच पर अपनी कल्पना से अपनी मेहनत से और आपके सहयोग से पिछले 5 वर्ष सतत जनता की सेवा करने के लिए सर्वप्रथम आप सब की ओर से कुणाल जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं आसान नहीं होता कि एक व्यक्ति अपनी मेहनत से नौकरी पाए बड़ा घर बड़ा गाड़ी बड़ा बैंक बैलेंस का सपना त्याग कर जनता की सेवा करने के संकल्प के साथ अपने न्योछावर एक नौजवान जिसके सफलता जिसके पैर चूमती हो वो अपनी सफलता को त्याग कर गांव गांव गरीब जाए ताकि उनके लिए एक घर का सपना साकार हो आज आप आए कि जिन्होंने राजनीति में आने के बाद सफलता प्राप्त की लेकिन शायद ही कोई नेता देखा होगा ऐसा जिसने अपनी निजी सफलता को त्याग कर राजनीति में पैर रखा ताकि गरीबों की वो सेवा कर सके और ये कदम एक व्यक्ति अपने जीवन में तब उठाता है जब उसे इस कि उसकी ये दृष्टि जनता के प्रति उसका प्रेम संविधान के प्रति उसकी प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जाएगी इसलिए 7 तारीख को निर्णय केवल कुणाल के जीवन के आगामी 5 वर्ष का नहीं होगा निर्णय ये भी होगा कि क्या जनता एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेगी जिसने राजनीति को सेवा का मार्ग बनाया या जनता उनके भ्रम में आएगी जिन्होंने राजनीति को सत्ता की गलियारों की दृष्टि से देखते हुए सत्ता को हथियाया और अपने घर को भरने का जनता की तिजोरी से पैसा लूट कर पाप किया कुणाल के सामने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने भाषण में ये ताना मारते हैं कोथाय होए छे विकास देखते पड़छी ना तो जिसकी आंखों के ऊपर भ्रष्टाचार का चश्मा हो उसे विकास का सूरज दिखाई नहीं देगा जिसके हाथ पंजे के चुनाव चिन्ह पर जनता को भ्रमित कर कर वोट जैसे तिजोरी को साफ कर दिखाया उन्हें विकास दिखाई नहीं देगा विकास उन्हें दिखाई इसलिए नहीं देता 5 साल में अगर लक्ष्मी चलकर किसी के घर पर आई है
जो गरीब के घर पर आई है उन नेताओं के घर पर लक्ष्मी ने दर्शन नहीं दिए। इसके प्रमाण आपके सामने। कुणाल ने कहा दीदी महिला सम्मेलन अच्छे किंतु जाना दे जाए भाई जो तो महिला रा बसे अच्छे तो ही भाई दाड़ी अच्छे। और इसलिए आज जब परिवार तो मैं कहना चाहती हूं इस क्षेत्र में आना जाना है इस राज्य में आना जाना है। 3 साल देखा लोगों को तड़पते हुए ये कहते हुए दीदी गांव में अगर तो उसे अस्पताल तक पहुंचाते पहुंचाते दम निकल जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खटिया में 4 लोग को उठाकर डॉक्टर की तलाश में निकलना पड़ता है। और आज झारखंड में 108 की एम्बुलेंस चलती है ऐसे कि अब तक 2,25,000 से ज्यादा मरीजों को त्वरित इलाज पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार ने किया है। जिन लोगों को ये आंकड़े दिखाई नहीं देते उनको हिसाब देना पड़ेगा उन लम्हों का उन दिनों का जब गरीब जनता एम्बुलेंस की सिर्फ कल्पना। आज गरीब जनता अगर 108 की एम्बुलेंस बुलाए तो कम से कम वो एम्बुलेंस तो आती है। गरीब अगर अस्पताल पहुंच भी जाता तो उसकी चिंता ये होती डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए पैसे देने के लिए जेब में। आज कहना चाहती कि 70 साल तक राज किया इन लोगों ने लेकिन कभी आयुष्मान भारत की कल्पना नहीं की। ये वो जो जन्मा है गरीब के घर में जिसने परिवारों को संघर्ष करते देखा उस नरेंद्र मोदी को जब आपने देश का प्रधान सेवक बनाया तो उन्होंने आयुष्मान योजना की शुरुआत की। 10 करोड़ परिवारों को पूरे देश में 50 करोड़ गरीब नागरिकों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का इंतजाम अगर किसी ने कराया तो मोदी ने कराया भारतीय जनता पार्टी ने कर। मैं आज पूछना चाहती हूं राजनीतिक पार्टियों से जिन्होंने वर्षों तक गरीब का खून चूसा हिसाब दे 70 साल का इस देश में हिसाब दे जब उनकी सत्ता थी प्रदेश में कभी 1 रुपया भी भेजा गरीब के पास ताकि वो बीमारी के वक्त अपना इलाज मुफ्त में करा सके। आज भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का गर्व है मुझे कि झारखंड में अब तक 1,75,000 भाइयों और बहनों का परिवारों का गरीब का इलाज मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत हो चुका है। आज चुनौती रहती है जिनकी आंखों पर भ्रष्टाचार का चश्मा है वो लोग आए और प्रमाणित करें कि उनके राज्य में क्या आयुष्मान भारत की कल्पना। अगर नहीं तो अपने द्वारा किए गए इन अपमानजनक शब्दों को वापस ले आज उन्हें चुनौती देती है। जब गरीब बीमार पड़ता है अस्पताल की कल्पना करती है प्रशासन तो उसकी सबसे पहली जरूरत होती है कि क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज हो। जो लोग आज कुणाल पर कटाक्ष करते हैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं उनसे कहना चाहती हूं जब उनकी सरकार थी तो आजादी के बाद से लेकर तब तक पूरे राज्य में केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे और रघुवर जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से 5 मेडिकल नए कॉलेज बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज आपसे कहना चाहती हूं कुणाल जी ने चर्चा की बहनों की शौचालय की यह सत्य है
उसे सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता ताकि वो रात के अंधेरे में शौच कर सके। भगवान न करे अगर सामने से कोई गाड़ी जाती तो आंचल से अपने आप को वो बेटी ढांकती ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। पिता हो, पति हो, भाई हो, शर्म से लाचार रहता क्योंकि शौचालय बनाने के लिए उसके पास पैसा ना होता। ये वो नहीं समझेंगे जिनकी टॉयलेट में मिनरल वाटर जाता है। आज कम से कम एक महिला होने के नाते इस बात का संतोष करती हूं कि 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अगर मैं बहरागोड़ा की बात करूं कुणाल, तो 35,000 शौचालयों का निर्माण मात्र आपकी विधानसभा में करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ। हमारे प्रत्याशी ने कहा कि जिनको विकास दिखाई नहीं देता वो गैस की लाइन में खड़े हैं। अरे वर्षों वर्ष गरीब की माताओं ने, बहनों ने, भाभियों ने, पत्नियों ने चूल्हा फूंक कर छाती में धुएं को भरा, खांसते खांसते जीवन बिता दिया, लेकिन इस बात का संतोष किया कि कम से कम अपने हाथ से बनाकर रोटी खिलाती हूँ, भात खिलाती हूँ अपने परिवार को। उस गरीब महिला की खांसी कभी नेताओं के कान तक नहीं पहुंची, लेकिन जिस मोदी की माँ ने स्वयं गरीबी के दिन देखे, दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी खिलाई, वो मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और 5 साल का भारत का रिकॉर्ड है, 8 करोड़ से ज्यादा गरीब बहनों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर दिलवाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बैरागोड़ा में 35,200 बहनों को मुफ्त गैस का कनेक्शन और चूल्हा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या क्या काम किया है उन आंकड़ों के साथ लिस्ट बड़ी लंबी है। किसान भाई अगर हैं यहाँ पर तो उनसे कहना चाहती हूँ कि पहली बार देश के इतिहास में किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई और किसान के खाते में वार्षिक रूप से 6,000 रुपये देने का निर्णय अगर लिया किसी ने तो नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 40,000 किसानों को और पीएम किसान योजना के तहत 18,900 किसानों को इसी विधानसभा में लाभ पहुंचाने का पुण्य का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कुणाल ने कहा यहाँ पर बहनें बैठी हैं, रोजगार का कोई साधन दीजिए। अरे अगर कोई आज से 5 साल पूर्व का भारत देखे तो जाने कि गरीब के घर में पैदा होते ही माता पिता ये सोचते थे बेटी के हाथ कैसे पीले करेंगे। बेटे के बारे में ये कहा जाता था कि किसी के घर में अच्छी नौकरी कर लो, व्यवसाय करने का अधिकार तुम्हें नहीं, क्योंकि व्यवसाय सिर्फ अमीर लोग करते हैं। मुद्रा योजना की शुरुआत, 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक की राशि गरीब को व्यवसाय करने के लिए दी गई। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि देश भर में 20 करोड़ से ज्यादा लोन मुद्रा के तहत दिया गया और पैसा कितना दिया, लगभग 10 लाख करोड़ रुपया। और यहां जितनी बैठी है बहन, इस बार सरकार बनते ही महिला बचत गट को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख रुपए तक की लागत का ऋण कम इंटरेस्ट पे, कम ब्याज पर देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया। लेकिन प्रश्न उठता है, ये सारे काम संभव हुए हैं क्योंकि आप घर से बाहर आए हैं, आपने कमल का बटन दबाया है और कुणाल को जिताया है। और वही घड़ी एक बार फिर 7 तारीख को आई है, इसलिए 7 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं और कुणाल को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनाए। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हम सब जो यहां पर उपस्थित हैं,
वो इस अपेक्षा के साथ, इस भावना के साथ उपस्थित है कि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देंगे, और बेहतर और सुरक्षित भविष्य देने के लिए इस संकल्प के साथ, इस संकल्प के साथ जब यहां आए तो मुझे सरोज जी कह रहे हैं, दीदी प्रधानमंत्री आवास से बेहतर सुरक्षा डेरा घोड़ा में मैंने और कहीं नहीं देखी। 6,600 से भी ज्यादा लाभार्थियों को आवास मिला है इस क्षेत्र में। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ सरोज जी, आप संतोष मात्र 6,600 से क्यों करते हैं? आने वाले 5 साल में इसकी संख्या डबल हो, इसके लिए जरूरी है कि जनता 7 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए और कमल का बटन दबाए। आप सब अपने दिन की शुरुआत निश्चित रूप से प्रभु को याद करके करते हो। कितने लोगों ने आज भगवान को याद किया दिन की शुरुआत के पहले? कुछ लोगों ने किया? नहीं किया? कोड़े चो? किस किस ने किया? थोड़ा थोड़ा सब किए हैं। वो पत्रकार बोल रहा है सब किए हैं, जनता क्या बोल रही है? अब जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे परिवार को समृद्ध रखो, स्वस्थ रखो। कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन्होंने कभी अपने भगवान से ये नहीं कहा होगा कि हे भगवान मुझे गरीब की थाली से छीनकर अपने घर में अनाज भरना है। जितने यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि हे भगवान मुझे देश की तिजोरी लूटकर अपनी तिजोरी भरनी है। क्योंकि स्वाभिमानी हिंदुस्तानी हमेशा अपने भगवान से कहता है कि हे भगवान बस बाजुओं में इतना बल दे कि मैं अपने 2 हाथों की मेहनत से इज्जत की 2 वक्त की रोटी कमा सकूं, अपने परिवार को खिला सकूं। और जब समृद्धि की कल्पना करते हैं, मां लक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाते हैं तो क्या पाते हैं कि लक्ष्मी जब घर आती है तो किसी का हाथ थाम कर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इसलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है इस विश्वास के साथ कि 7 तारीख को आप सब पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, कुणाल को एक बार फिर विधानसभा ले जाएंगे और विकास की लक्ष्मी को अपने घर ले आएंगे। इस विश्वास को, इस निवेदन को आपके चरणों में प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। अच्छा जखन हमारा बाड़ी थी कि बेरोई तखन की बोली आवाज देखाओ मैं बोली तो आज जखन बाड़ी थी कि बेरोई तखन माँ की बोले जल्दी दुग्गा दुग्गा बोले तो बोले तो आमियो बेरोची हमरा की बोलबो दुग्गा की बोलबो दुग्गा दुग्गा